जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने गणेश पूजा मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु जनपद के समस्त प्रबुद्ध व्यक्तियों, नागरिकों, समितियों, अखाड़ा संचालकों से कहा है कि गणेश पूजा ताजिया चौकी पारंपरिक स्थल पर ही निर्मित करें। पंडाल ताजिया चौकी में अस्थायी विद्युत कनेक्शन निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त करें। समिति के वॉल्टियर्स के पहचान हेतु उन्हें पहचान पत्र हाथ पट्टी उपलब्ध कराएं। गणेश मूर्ति विसर्जन ताजिया करबला में दफन के दिन तक राउंड द क्लॉक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी शिफ्ट वार अवश्य लगवाए जाए। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि जनपद में प्रभावी धारा 144 के शर्तों का पालन किया जाए। पंडालों में अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन तंत्र, पानी बालू अवश्य रखें। जुलूस परंपरागत ढंग से व समय से निकाला जाए। धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारस्परिक रूप से आयोजित किए जाएं। पंडाल इस प्रकार निर्मित कराए जाएं ताकि आवागमन बाधित ना हो। पंडाल में केवल एक प्रवेश द्वार ना रखें। पंडालों में ज्वलन जैसे सिंथेटिक कपड़े, गैस सिलेंडर, पेट्रोल एवं डीजल आदि का प्रयोग ना करें। लाउडस्पीकर के साउंड ध्वनि 15 डेसिबल से अधिक ना हो। पंडाल के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 10 बजे तक वर्जित रहेगा। जुलूस में बड़े जानवर यथा हाथी, ऊंट आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस में आग का खेल प्रयोग ना किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पर्व के दौरान पुलिस प्रशासन व अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो भी दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाएंगे, आयोजनकर्ता द्वारा उसका कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक होगा। अन्यथा किसी भी दशा में प्रशासन को विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।